आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है। इस जगह का नाम है जयगढ़ किला, जिसे विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है। यह जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चील का टीला नाम की पहाड़ी पर स्थित है। यह पूरा किला 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का टिकट मूल्य भारतीयों के लिए 150 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपए है। अगर आप छात्र हैं तो आपको यहाँ का टिकट 25 रुपए में मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ कैश लाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है। इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक डूंगर दरवाजा जिससे हम अंदर आए और दूसरा आवामी दरवाजा जो आमेर किले तक पैदल आने के लिए बनाया गया था। यह जो ओपन वाटर टैंक है वह किले के परिसर में बना हुआ है। यह टैंक एक लंबी नहर से जुड़ा है जो कि आगे 3 अन्य टैंकों को आपस में जोड़ती है। आखिर में इसका पानी एक 40 फीट गहरे ढके हुए टैंक में पहुंचता था, जिसका अभी भी उपयोग किया जाता है। पुराने समय में इसी टैंक में शाही खजाना रखा गया था और 1976 में इंदिरा गांधी के शासन में भारत सरकार ने इसके पानी को सुखाकर खजाने की तलाशी भी ली थी। अब मैं आपको इस किले का सबसे मुख्य आकर्षण दिखाता हूँ, 18वीं शताब्दी में बनी एक विशाल तोप जिसे जयवन कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने 1720 में करवाया था और यह किले के तोप कारखाने में बनी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तोप का कभी भी युद्ध में उपयोग नहीं किया गया। इसका उपयोग सिर्फ एक बार परीक्षण के लिए किया गया था, जब इसकी रेंज 22 मील लगभग 35 किलोमीटर पाई गई। तोप के बैरल में 100 किलो बारूद और 50 किलो गोला डाला जाता था। इसका बैरल 20 फीट लंबा है और गाड़ी समेत इसका कुल वजन 250 टन है, जिसमें से 200 टन गाड़ी का और 50 टन बैरल का है। इस विशाल तोप को घुमाने के लिए गाड़ी के पिछले पहिए में रोलर पिन बेयरिंग्स लगाए गए हैं, जिससे इसे आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी तोपें बनाई गई हैं, उन्हें यहीं के कारखाने में बनाया गया था। इस कारखाने में आपको अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलेंगी जिनका उपयोग इन तोपों को बनाने के लिए किया गया था। यहाँ कुछ कमरों में आपको लोहार खाने में उपयोग होने वाले औजार और कुछ में बड़ी के औजार नजर आएंगे। यहाँ मौजूद संग्रहालय में पुराने गन, राजा के आर्मर, जयवन तोप का गोला और बहुत सारे हथियार देखने को मिलेंगे जो सच में बहुत दिलचस्प लगते हैं। इस किले में आपको 2 प्राचीन मंदिर भी दिखाई देंगे। एक है राम हरिहर मंदिर जो 10वीं शताब्दी में बना और दूसरा है काल भैरव मंदिर जो 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। राजा जय सिंह के समय यानी 17वीं शताब्दी में बनी महाराजों की भोजनालय को देखिए। यह डाइनिंग हॉल था जहां महाराजा भोजन ग्रहण करते थे। यहां पर नीचे कालीन बिछाई जाती थी और राजा लकड़ी की चौकी पर सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। 17वीं शताब्दी की आमेर की जीवन शैली को दर्शाते हुए राजा और उनके सरदार पारंपरिक वेशभूषा, अंगरखी, घोटी और पगड़ी पहने हुए दिखाए गए हैं। इसके बगल में स्थित रसोई घर यानी किचन में एक पुरुष रसोईया पुलाव बनाते हुए और एक महिला मसाले कूटते हुए नजर आती हैं। यहाँ रखे सभी बर्तन जो तांबे के बने हैं वास्तविक हैं, चाहे वह कड़ाही हो या मटका। हाल ही में राजस्थान सरकार एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किलों को एक रोपवे के जरिए जोड़ा जाएगा। हो सकता है हमें जल्द ही रोपवे की सेवा भी शुरू हो जाए। जयगढ़ किले में कई अमीर लोग शादियां भी करते हैं और यहाँ के बड़े से हॉल्स में शानदार समारोह आयोजित किए जाते हैं। आपको जयगढ़ किला कम से कम एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, खासकर मानसून सीजन में, क्योंकि उस समय यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ से जो अरावली पर्वतों का दृश्य आता है वह सच में बहुत अमेजिंग लगता है।